इन दिनों हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग के द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में पुरुष और महिला कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है और इसी कड़ी में मंडी जिला पुलिस विभाग के द्वारा भी मंडी के ऐतिहासिक पड्डल मैदान में 20 जून से भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई। भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत महिला कांस्टेबल भर्ती से शुरू की गई और भर्ती प्रक्रिया के पहले दिन 500 महिला अभ्यर्थियों ने ग्राउंड प्रक्रिया में भाग लिया। इन दिनों हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग के द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में पुरुष व महिला कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है और इसी कड़ी में मंडी जिला पुलिस विभाग के द्वारा भी मंडी के ऐतिहासिक पड्डल मैदान में 20 जून से भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत महिला कांस्टेबल भर्ती से हुई है और भर्ती प्रक्रिया के पहले दिन 500 महिला अभ्यर्थियों ने ग्राउंड प्रक्रिया में हिस्सा लिया है। भर्ती प्रक्रिया के दौरान ग्राउंड टेस्ट के में महिला अभ्यर्थियों को दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप जैसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। मंडी जिला के SP गुरुदेव शर्मा ने बताया कि मंडी के ऐतिहासिक पड्डल मैदान में 20 जून से लेकर 29 जून तक पुरुष और महिला कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि ये भर्ती प्रक्रिया 139 पुरुष कांस्टेबल और 35 महिला कांस्टेबल पदों के लिए ली जा रही है। शर्मा ने बताया कि ये पूरी भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन तरीके से अमल में लाई जा रही है। जिला मंडी के लिए पुरुष एवं महिला कांस्टेबल्स की भर्ती 30 जून से 29 जून तक पटल मैदान में आयोजित की जा रही है। इसमें पुरुष कांस्टेबल्स के 139 पद और महिला कांस्टेबल्स के 35 पद भरे जाने हैं और इस बार जो भर्ती प्रक्रिया है सारी ऑनलाइन की गई है। सारा ही जो इवेंट्स हैं वो जो हमारे जो इंचार्जेज हैं उनको टैब दिए गए हैं और जो मार्किंग है वो टैब्स भी ऑनलाइन ही की जा रही है और हर इवेंट पे वीडियोग्राफी की जा रही है। और भर्ती प्रक्रिया सुबह 6 बजे प्रारंभ हो जाती है और कैंडिडेट्स को एडमिट कार्ड लेकर के आना होता है। यदि किसी कैंडिडेट का एडमिट कार्ड डाउनलोड ना हो तो उसको हम यहाँ पे भी ग्राउंड में डाउनलोड करके दे देते हैं। तो भर्ती प्रक्रिया हर तरह से निष्पक्ष है और ट्रांसपेरेंट रखी गई है और कैंडिडेट से भी हम अनुरोध करेंगे कि यदि उनको कोई प्रलोभन देता है कि उनको पैसे लेकर के कोई भर्ती करवा देगा तो उसकी जानकारी तुरंत हमें दें ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। सर, आज कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया? आज 500 फीमेल्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनको बुलाया गया है और उनकी भर्ती की जा रही है।